पीछे तक आ रही है, वहां तक आ रही, पीछे तक हाथ ऊपर करो, राधे राधे बोलो, आपकी मेरे तक नहीं आ रही। हाँ, ये तीसरी बार हो रहा है या नाटक, यहीं पर ही आना पड़ता है फिर। ठाकुर जी बोल रहे तुम बाहर आनंद ले रहे हो, कौन बोल रहे हैं जानते हो? हरे कृष्णा, बैठ जाओ बैठ जाओ। किसान देखो कहाँ है हमारे राधा कृष्ण, यहां उधर है ना। ठाकुर जी बोल रहे हैं राधा जी की महिमा सुनने के लिए तो मैं भी सब समय ललायत रहता हूं। तो हमने कहा कि कब ना सुनो, बोलते अंदर साउंड नहीं आ रहा, यहां तो अंदर स्पीकर लगवाओ। तो बेचारा स्पीकर वाला इतने लाए नहीं, बोलते मैं ऐसा कुछ करता हूं तुम सबको यहीं बुला लेता हूं ना। तो ये सुनना चाह रहे हैं अभी यहां पर ना। बोलो राधे राधे। अभे चरणार विंदरे, ध्यान से सुनना अभी, और कितना आप पकड़ सकते हो उसकी पकड़ को पकड़ लेना, क्योंकि मैं वृंदावन की बात सुना रहा हूं। कहते हैं ना भारत का रहने वाला हूं, वृंदावन का रहने वाला, और किसकी बात सुना रहा हूं। हाँ, तो देखो क्या कहोगे आप। नहीं नहीं वो कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ, हो गया, नहीं आवाज ही नहीं आ रही। हाँ अब वही आवाज, हरे कृष्णा। मैं बतला रहा था श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करके तब धीरे धीरे फिर मस्तक का दर्शन करा। राधा जी तो सब समय कृष्ण के साथ विराजमान है कि नहीं, तो इनको तो पूरा दर्शन प्राप्त होता ही होगा कृष्ण का, होता है ना? नहीं होता, नहीं होता। कैसे? एक बार एक सखी आकर कह रही राधे आज मैंने कृष्ण को चरणों से मस्तक तक पूरा देख लिया, पूरा राधा जी की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और कहने लगी सखी तुम धन्य हो धन्य हो, तुमने श्याम सुंदर का पूरा दर्शन कर लिया, मैं आज तक नहीं कर पाई। बड़ी हैरानी की बात है ना, आप रास रचा रहे हो उनके साथ, सब कुछ लीला करते हो और कह रहे आज पूरा दर्शन नहीं कर पाई आज तक। राधा जी कह रही है तुम धन्य हो, तुमने कृष्ण का पूरा दर्शन कर लिया, मेरी स्थिति तो बड़ी धन्य है। मैं तो यदि कृष्ण के एक नेत्र का दर्शन करती हूं तो सारी इंद्रियां सब दृष्टि एक नेत्र में ही समा जाए, दूसरा नेत्र देखने का अवकाश नहीं बचता। मैं यदि श्री कृष्ण के एक उंगली के एक नख को देख लेती हूं तो वो इतना सुंदर है कि दूसरे हाथ को तो देख ही नहीं पाती। जो रूप ही कैसा, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंद्रे, जिनके चरण भी कमल के समान, जिनके हस्त भी कमल के समान, जिनका मुखमंडल भी कमल के समान, जिनके नेत्र भी कमल के समान, सारा अंग श्री कृष्ण का कमल जैसा ही सुंदर है। इसलिए कैसे संभव कि यदि एक अंग में दृष्टि पड़ जाए और वो दृष्टि ऐसी पड़े कि अतृप्त रहे, जिनको श्री कृष्ण का रूप देखकर तृप्ति हो गई उनके नेत्रों को धिक्कार है, और जिनको श्री कृष्ण के रूप पूरा रूप तो छोड़ो एक अंग को देखकर भी यदि अतृप्ति का भाव रहे वास्तव में उसने नेत्र पाए।
तो राधा जी कहती हैं, मैंने कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया, ये इनकी महिमा। अब जिन्होंने पूरा नहीं किया वो बड़ी हुई, या जिन्होंने पूरा कर लिया वो बड़ी हुई, भाव समझ आ रहा है? कौन बड़ा हुआ? जिन्होंने पूरा नहीं किया, और वो कौन है? राधा रानी। ये भाव समझना, फिर से दोहरा देता हूं, जिन्होंने पूरा रूप दर्शन किया, कह रही आज मैंने श्याम सुंदर का पूरा दर्शन किया। राधा जी कहने लगी, तुम तो धन्य हो, बलिहारी जाऊं, मैं तो आज तक पूरा नहीं कर पाई, एक अंग में दृष्टि लग जाए तो पूरा उसी में ही मन लग जाए, इसलिए आज तक मैं श्याम सुंदर को पूर्ण नहीं देख पाई, ऐसे इनके भाव है। और देखो, जब भी कोई एक भक्त सच में माला करने लगता है, नाम करने लगता है, स्मरण करने लगता है, तो जानते हो क्या होता है? सात्विक भाव आते हैं, ध्यान से सुनना, और उसमें सबसे पहला क्या आता है? आंसू बहते हैं। अब ये प्रेम के आंसू हैं, और प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं, दुख के आंसू ये गर्म होते हैं। बड़े बड़े संतों को देखा, अपने गुरुजी को देखा, कथा कह रहे हैं, राधा जी की महिमा का गान कर रहे हैं, श्री राम जी की लीला का महिमा गान कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो कोई दुख हो गया रो रहे हैं जो? नहीं, अंदर इतना आनंद उमड़ रहा है, इतना उमड़ रहा है कि शरीर उसको ठीक से धारण नहीं कर पाता, तो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, ये प्रेम के अश्रु हैं। ये है सात्विक भाव, और ऐसे आठ होते हैं, और जो आठवां होता है वो है मूर्छा, बेहोश हो जाना। अब देखो राधा जी, ये कभी कृष्ण सौंदर्य का, कृष्ण रूप का भोग नहीं करती, सेवा करती हैं। राधा जी यदि श्री कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही हैं, स्वभावतः ही उसी समय सद्यो उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। समझ आ रही बात? अपने आप प्रेम के अश्रु उमड़ने लग जाए। एक भक्त तो इसकी प्रार्थना करता है, कब क्या हो गया, एक भक्त तो इसकी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कब मेरे जीवन में वो दिन आएगा जब मैं आकर मंदिर में आपका दर्शन करूं, या आपकी एक कथा सुन लूं, या आपका मैं कोई नाम करूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाए। संसार में तो सभी रोते हैं, लेकिन भगवान के कारण कोई रोना आ जाए, ये तो उनके बड़े सौभाग्य की बात है। उसके लिए तो प्रार्थना करते हैं, कब मेरे जीवन में दिन आएगा नेत्रों में अश्रु आ जाएंगे। और राधा जी को तो देखने मात्र से स्वाभाविक रूप में आंखों में आंसू आ गए। और राधा जी क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं वहां? वो सारा भाव ही खत्म कर देते हैं। अरे कृष्ण, वो भारत तक आवाज नहीं जाएगी फिर। कहाँ हो गया? ठीक तो चल रहा था, अभी छेड़ा क्यों? राधे राधे बोल दो इतनी देर। देखा, बोलो राधा रानी की जय। अब मत छेड़ना इसको, ऐसे रहने दो, बस थोड़ी देर की बात है। क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं?
ये सिर्फ मिलन अपार्टमेंट में सब मिलजुल कर कथा सुनते हैं और सबको याद है मैंने क्या बोला, और जगह पर भूल जाते हैं सब। लाइट गई, बात गई, है ना। ये आप लोग बड़े अच्छे भक्त हो, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए आपको याद है। मैं ही भूल गया था तो क्या बोला मैंने, देखने मात्र से ही राधा जी की आंखों में आंसू आ जाएं, और जब आंसू आते हैं तो गीलापन हो जाता है ना, और कृष्ण के पूरा दर्शन हो नहीं पा रहा, उसमें अब रुकावट आ रही है। तो गोविंद प्रेक्षणा आश्पूरपि वर्षनम उच्चे अनिंदम आनंदम अरविंद लोचनम। राधा जी उन आंसुओं को कोस रही हैं, जिन आंसुओं को हम लोग तड़पते हैं प्राप्त करने के लिए कि मिल जाए। इसका है, और राधा जी उन आंसुओं को कोस रही हैं कि जब मैं प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हूं, और दर्शन कर रही मतलब सेवा कर रही हूं, तो उस सेवा में ये आंसू बाधा क्यों दे रहे हैं। उन आंसुओं को कोसती हैं, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, है ना। ये है राधा जी की महिमा। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता। ये भी राधा जी को देखकर इनको भी प्रेम उमड़ता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में राधा जी को श्री कृष्ण को देखकर होता है। इनका वैशिष्ट्य एक ही प्रधानता है, और यही कारण कि स्वयं श्री शिव भी राधा जी की एक कृपा कटाक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर शिव है, बड़े माने हुए प्रसिद्ध है, बोलते एक कृपा की कटाक्ष मिल जाए इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुनिंद वृंदावंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करीश सिंह कृपा कटाक्ष भारिणी। एक कृपा की कटाक्ष मुझको मिल जाए, इतनी वर्षा हमको नहीं चाहिए, एक बूंद बस। ये शिव प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब इन्होंने देखा राधा जी का और गोपियों का कैसा सौभाग्य है, इतने बड़े जो मालिक हैं, इतने बड़े जो भगवान हैं, ये गलबैया देखकर इनके साथ नृत्य करते हैं, और तो और राधा जी इनको डांट लगा दें, किनको, स्वयं जो ईश्वर है। इसको कहा गया प्रेम कलह, प्रेम का झगड़ा, सच वाला झगड़ा नहीं। जो सच वाला झगड़ा होता है तो जा तेरा मुंह नहीं देखता, और प्रेम कलह कैसा होता है, अंदर तो प्रेम है और ऊपर से बात तो उल्टी कही जा रही है, लेकिन उस उल्टी बात में एक दूसरे को प्रेम को ही उजागर कर दिया जा रहा है। समझ आ रही बात, होता होगा आप सब में घरों में प्रेम में, प्रेम का कलह, सच वाला झगड़ा नहीं, प्रेम के कारण कलह। बरसाना कौन कौन गया, बरसाना की परिक्रमा की, साकरी खोर कौन कौन गया, अब बताओ, अब हाथ कम हो गए। जब जाओ तो पूरा ही जाओ ना, फिर ऊपर महल में जाकर राधा जी का दर्शन करने जाते हैं, बरसाना में जाते हैं ना, लेकिन बरसाना की परिक्रमा है ज्यादा नहीं, 3 किलोमीटर की होगी बस। अब अगली बार किसी से पूछ लेना, भैया ये परिक्रमा कहां से आरंभ होगी। जब परिक्रमा में जाएंगे तो सबसे पहले एक स्थान आएगा साकरी खोर। साकरी मतलब बड़ी एक छोटी सी एक स्थान है, एक समय पर एक ही व्यक्ति वहां से निकल सकता है, बड़ी सकड़ है, साकरी गली है,
उस सांकरिक होर्स पर राधा जी और सारी सखियां अपने सिर पर मटकियां लेकर दही दूध इत्यादि सब लेकर वहां से जाती और कृष्ण अपने सखाओं के आकर साथ लाकर थोड़ा सी नोक झोंक करते। क्या बोलते, आप रोज यहां से दही दूध ले जाती हो, टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स, यहां पर टोल टैक्स देके जाओ। बोलते किस बात का टैक्स, बोलते ये तो हमारा स्थान है। बोलते आपका स्थान कहां से हो गया। कृष्ण सोचते हम शेर हैं तो राधा जी भी सवा शेर है, आपका स्थान कहां से हो गया। बोलते ये वृंदावन है, वृंदा मेरी पत्नी है, मैंने विवाह किया तो पत्नी की संपत्ति तो पति की होती है। सब हैरान हो गई, अरे वृंदा ने कब विवाह कर लिया कृष्ण से, और सब ने बुलाकर पूछा, अरे वृंदा इधर आओ, तो ये कृष्ण कह रहे हैं इन्होंने आपसे विवाह कर लिया। वृंदा कह रहे कि इनसे कौन विवाह करेगा, काले से, मेरा तो कोई विवाह नहीं हुआ इनसे। तो बोलते आप झूठ बोल रहे हो, किस बात का टैक्स, हम कंस महाराज से आपकी नालिश करेंगे, शिकायत करेंगी। रोज की लीला होती, रोज कृष्ण आकर इनको परेशान करते और इनकी मटकी तोड़ देते। इन्होंने सोचा हम चुप क्यों बैठती हैं, मीटिंग बुलाई, कल क्या करेंगी, दो चार यहां से निकलेंगी और बाकी सब पीछे झुंड के झुंड छिपी रहेंगी, और ये कल फिर यही करेंगे, और जब ऐसा करेंगे हम ताली बजाएंगे और सब आ जाना, कल इनको बताएंगे हम। और यही हुआ। अगले दिन तीन चार गोपियां सिर पे मटकी लेकर और कृष्ण उनके सखा मधुमंगल ये सब, बोलते आज तो कम जा रही है, तीन चार ही दिख रही है, तो वही नोक झोंक करने लगे, टैक्स देकर जाओ, और फिर वही प्रेम का कलह लग जाए। अब जो गोपियां वहां पर थी इन्होंने क्या किया, ताली बजा दी। मतलब ये इंडिकेशन है, ये साइन है, और सारी गोपियां वहां से लठिया लेकर झुंड की झुंड सब जो टूट पड़ी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और कृष्ण बोले भागो भागो भागो, और गोपियां बोल रही है मारो मारो मारो। पकड़ लिया कृष्ण को, पकड़ लिया मधुमंगल को, पकड़ लिया मधुमंगल की तो ये चोटी होती है पेड़ के साथ बांध दी, अरे कहां भागेगा, सबको अरेस्ट कर लिया आज। अब इनका दल तो कम पड़ गया, राधा जी का दल भारी पड़ गया। बोलते अब बताओ कृष्ण, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या किया, बोलते इनको क्या बनाओ, नर से नार बनाओ। नर से नार समझते हो, इनको गोपी बनाओ। आज लहंगा चोली पहना दिया, श्रृंगार हो रहा है पूरा श्याम सुंदर का। बोलते ऐसे नहीं, ये धोती पीताम्बर वितांबर ये हटाओ, पीताम्बर हटाओ, लहंगा चोली पहनाओ और सिर पे रखो मटकी, और मटकी में रखो क्या, दूध दही। बोलते इसको लगाओ सिर पर, जो कहोगे मानना पड़ेगा आज तो, क्योंकि फंस गए। सिर पे रखी मटकी, बोलते ठुमक ठुमक के चल के दिखा, और इनकी चाल, आहा इनकी तो चाल भी कोई कम नहीं है, प्राविशिदा गीत कीर्ति थी। इनका चलन भी ऐसा होता है जैसे नृत्य कर रहे हो, इनका बोलना ऐसा जैसे गान कर रहे हैं, इनके हस्त विन्यास, इनके एक एक जो क्रिया वो साधारण नहीं, बड़ी विशेष स्पेशल है। इस प्रकार उनका चलना भी कोई सीधा नहीं है, नित्य की तरह बोलते ठुमक ठुमक के चल के दिखाओ, और ये भी विदग्ध हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, सिर पे मटकी रखकर जो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, आहा बोलते बढ़िया चलन है, चाल चलन ठीक नहीं है लेकिन चलन ठीक है। और क्या करते हैं, गोपियों ने आकर लठिया लेकर मारी एक मटकी पे, पूरा दूध का अभिषेक हो गया। बोलते दूसरी रखो, दही की रखो, ठाकुर जी का तो अभिषेक ही हो रहा है वहां पर।
बोले आज के बाद कभी आए तो यही दशा होगी। ये वृंदावन ये ब्रज ऐसा जहां पर स्वामी भी कान पकड़े तौबा तौबा आज के बाद नहीं आऊंगा ऐसे, जहां पर इनकी प्रधानता नहीं राधा जी की प्रधानता है और इनकी आदत है स्वभाव है। ईश्वर है ना, ईश्वर का स्वभाव ही क्या है, बढ़ चढ़ के बोलना और सच्चा वाला अभिमान है, मिथ्या अभिमान नहीं है। ईश्वर है, भगवान है भाई, मालिक है। अभी तो इतना समय नहीं है लेकिन एक एक जितनी भी बातों में ये कह सकते हैं कि मैं दक्ष हूं, बोलचाल में, वचन कहने में, सब भंग हो जाते हैं, सब टूट जाता है। राधा जी के सामने एक नहीं चले, मैं वंशी बजाता हूं, राधा जी वंशी बजाती हैं तो ये हैरान हो जाए, ये गान करें और राधा जी गान करें तो ये हैरान हो जाए। अब इनके छह ऐश्वर्यों में एक है ऐश्वर्य बल, बल का बड़ा अभिमान है इनको। अरे मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं, है कोई जो मेरे साथ मलयुद्ध कर ले, मलयुद्ध समझते हैं, है कोई, ताल पीटते हैं, सखाओं को कहने लगे देखो देखो मेरे बराबर का कोई है ही नहीं। उसी समय ललिता जी ने कहा अच्छा, राधा जी को सामने रख दिया, है कोई है कोई है कोई ऐसे बोल रहे हैं और राधा जी सामने आकर बस ऐसे खड़ी हुई, पसीने छोड़ गए वहीं पर, इनके सामने मल युद्ध करूंगा। मल युद्ध कैसे होता है, हाथ पकड़कर पैंतरे मारकर एक दूसरे को नीचे पछाड़ना, ये तो बड़ी दूर की बात है। राधा जी ने बस प्रेम से एक कटाक्ष, कटाक्ष समझते हैं, ऐसी टेढ़ी एक चितवन से बस इनकी ओर देखा, एक बाण मारा ऐसे टेढ़ा, एक बाण होता है सीधा मारना और एक होता है टेढ़ा मारना। राधा जी ने जो ऐसे कटाक्ष करके देखा बस इनका तो क्या हुआ, क्या श्लोक है वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवस्नम व्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष षड्गट विमुचितस्या तम राधिका चरण रेणु हम स्मरामि। इसी दृश्य को हमारे आचार्यों ने ये कैप्चर कर, कैमरे में कैप्चर कर लेता ना, लोग फोन पर अपना क्या करते हैं क्लिक करके कैप्चर कर लेते हैं, हमारे आचार्य इन सीन को इन दृश्यों को अपने स्मृति में अपने ध्यान में इसको कैप्चर करके हमारे लिए लिख डालते हैं। जब कोई फोन फोटो खींचता है ना वो फोटो गैलरी में सेव हो जाती है, बाद में देखते रहो। इन आचार्यों ने इन दृश्यों को ऐसे नेत्रों से देखकर उसको जो कैप्चर किया पूरा गैलरी में सेव हो गया और हमारे लिए लिख डालते हैं कि देखो ये हुआ था, कहा हुआ था ब्रज में, और ब्रज में भी कहा भांडीरवट में, क्या हुआ वेणु करा निपतितम, हाथ में वंशी धार, ये छोड़ते नहीं अपनी वंशी को, बोलते जब कभी फंस जाऊं तो यही एक ऐसा अस्त्र है जिससे बच सकता हूं, यही एक ऐसा है, क्यों कभी मैं फंस गया पकड़ा गया तो जैसी वंशी बजाऊंगा गोपिया का हृदय तो वहीं पिघल जाएगा, इसलिए अपनी बचाव के लिए अपने साथ रखते हैं, ये इनका बचाव है, ये कवच है। वंशी कम उपाध्या किम उपाध्या तो वंशी का कुल युवती धर्म धासित यौन परम धर्म। राधा जी कहती हैं हमको ये नहीं समझ आता कि वंशी आपकी अध्यापिका है या आप वंशी के अध्यापक हो, क्योंकि दोनों का एक ही काम है हमको सताना। बड़ी ऊंची ऊंची बात कह दी मैंने आज, मैं कभी बोलता नहीं ये सब, लेकिन क्या ये राधा जी का राधाष्टमी आ रहा है ना, और क्या बोले फिर, क्या बोले फिर, और आत्मराम आत्मकाम ये सब बोले,
जहां पर राधा जी के जन्म कथा आएगी, जहां पर राधा जी का वैशिष्ट्य बतलाया जाएगा, वहां पर तत्व के साथ लीला तो आ ही जाएगी, वो कहां पर रहेगी। और इन्हीं में ही राधा जी के गुणगान, वैशिष्ट्य, इनकी महिमा छिपी हुई है। आप लोग समझ रहे हैं? पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ये बड़ी पकड़ की बात है और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ब्रज का भाव है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन, ये ब्रज का यही भाव है। इसलिए वहां पर सब राधे राधे बोलते हैं। मैं 5 दिन से यही दोहराता आया हूं, क्यों वृंदावन में ब्रज में सब राधे राधे बोलते हैं, ये कारण है। सारे जगत का स्वामी जिनके चरणों में गिरता है, ये कारण है। इसलिए अपनी वेणु को, और ये भी 3 है, एक नहीं, वंशी, वेणु और मुरली, 3 एक नहीं है। तीनों का साइज अलग अलग है, तीनों में छिद्र भी हिसाब के हैं, और किसको कब बजाना है, किस कारण से बजाना है, वो भी एक अलग एक प्रकरण है। मान लो 3 फोन रखे हुए हैं अपने पास, साधारण भाषा में तो ये समझाना पड़ेगा आजकल। वेणु करान निपतितम, जिस वेणु, जिस वंशी को लेकर अपने बचाव की इच्छा करते हैं, सबसे पहले तो वही गिरती है के हाथ से, जब राधा जी का एक कटाक्ष देखा। बस अभी तो मल्ल युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ। स्खलितम शिखंडम, सिर पे मोर मुकुट धारण करते हैं। ये मोर मुकुट वृंदावन में ही धारण किया जाता है, वृंदावन से बाहर कभी नहीं धारण करते। जब वृंदावन छोड़कर मथुरा में गए तो 2 वस्तुओं को छोड़ गए, एक तो मोर मुकुट और वंशी। ये वृंदावन से बाहर नहीं जा सकती, जाते तो स्वयं भी नहीं, लेकिन ये 2 ऐसे चिन्ह हैं जो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। मथुरा में, द्वारका में कभी मोर मुकुट धारण नहीं कर सकते, ये वृंदावन की संपत्ति है। और वंशी भी कभी मथुरा द्वारका में धारण नहीं कर सकते, कभी नहीं। इस बात को समझ लो, ये सिद्धांत है, इसकी पकड़ को पकड़ो। मोर पंख और वंशी, ये इनका जो श्रृंगार है, ये एकमात्र वृंदावन का ही है, इससे बाहर नहीं। तो सबसे पहले राधा जी की उस एक कृपा कटाक्ष को देखकर, वेणु करान निपतितम, सबसे पहले वेणु हाथ से गिरती है, और फिर वो ते राजा का मुकुट अगर नीचे गिर जाए तो क्या माना जाता है, पराजय। मुकुट के ही तो सबसे बड़ा चक्कर है। तो जैसे गिरा, और क्या गिरा, वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम, पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर मतलब कौन सा रंग होता है, पीला क्यों धारण करते हैं, लाल क्यों नहीं, नीला क्यों नहीं। हाँ, वो हमारे पीछे बड़े अच्छे बता दिए उन्होंने, देखो कितने सब ज्ञानी हैं यहां पर, बड़े भक्त हैं। पीताम्बर पीला रंग इसलिए धारण करते हैं क्योंकि राधा जी का जो रंग है वो सोने की तरह पीला, जैसे सोना पिघल जाता है, तप्त कांचन, ये उनका रंग है। इसलिए उनका सब समय स्मरण बना रहे, इसलिए पीताम्बर धारण करते हैं। जिसका जिससे प्रेम होता है ना, उसका स्मरण बना रहे, इसलिए कुछ ना कुछ करते हैं। शिवजी अपने गले में सांप लटकाए रखते हैं, क्यों भैया, सांप का इनका क्या संबंध है, इनका सांप से क्या संबंध है। अपने इष्ट को अपने गले में धारण करते हैं, शेष भगवान शेष को, शंकरशन जी को, क्योंकि वो सब समय भगवान की लीला का गान करते हैं और शिवजी सब समय भगवान की लीला में ही रमे रहते हैं। राधा जी की सबसे फेवरेट कलर साड़ी कौन सी, नीले रंग की, क्यों, क्योंकि कृष्ण का रंग क्या है, इसलिए कृष्ण का सब समय स्मरण बना रहे।
नील वसाना गौरी रूपे गुण धन्य, नीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, और कृष्ण पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र राधा जी का सब समय स्मरण बना रहे इसलिए उनको अपने अंग पे धारण करते हैं। वो पीताम्बर धारण करना मतलब क्या, राधा लिंगितम विग्रहम, राधा जी को सब समय एक मुद्रा में, कौन सी मुद्रा, राधा जी के साथ जो अलिंगन पाश में बंधे हुए हैं इस रूप में ही उनको सब समय उनका चिंतन रहता है, राधा लिंग अलिंगितम विग्रहम, इसलिए पीताम्बर को धारण करते हैं। लेकिन राधा जी के एक कृपा कटाक्ष को देखा तो वो पीताम्बर भी धड़ाम करके गिर गया। पहले क्या गिरा, अब मैं भागवत करूंगा यहां पर पूछूंगा आप सबसे, पहले क्या गिरा, पहले वंशी गिरी, फिर क्या गिरा, फिर क्या गिरा, यश कटाक्ष, और राधा जी की उस कटाक्ष को देखकर विमूर्चित स्वयं ही गिर पड़े। अबे मल्ल युद्ध में तो अभी पहले हाथ तो पकड़ने होते हैं, फिर अड़ंगी देके गिराना होता है, यहां तो बस देखते ही वो प्रेम, एक दृष्टि ऐसी नेत्रों में वो प्रेम डाल दिया जाए तो किसी को भी खींच लिया जा सकता है। ये एक वशीकरण मंत्र है जिसको बोलते हैं जादू टोना ना आंखों में नेत्रों में देख के किसी को अपनी ओर वशीभूत किया जा सकता है। नहीं मेरे को नहीं आता, घबराओ नहीं, लेकिन ये राधा जी का प्रेम है, उस प्रेम को ऐसे कृष्ण की ओर देखती हैं कि उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए विमूर्चितस्या श्री कृष्ण धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर जाएं और राधा जी ऊपर आकर ऐसे खड़ी हो जाएं। तो बताओ कौन जीता, तभी भी अपनी ऐंट नहीं गई, कहते मैं ही जीता। सारी सखियां मुंह पे हाथ लगाकर, अरे इनकी ऐंट अभी तक नहीं गई, आप नीचे गिरे पड़े हैं और कह रहे हैं आप जीत गए कैसे। तो कृष्ण कह लगे बताओ किसकी नाक ऊंची है और किसकी नाक नीची है, मेरी नाक ऊंची और राधा जी की नाक नीची है, इसलिए कौन जीता, जिसकी नाक ऊंची है वो जीतता है, ऐसे बोलता है ना। सखियां कहने लगी श्याम सुंदर रहने दो रहने दो, तुम्हारे बस की बात ना है, तुम हार गए अब बहाने बना रहे हो। कृष्ण कुछ कहने लगे, नहीं 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 कुछ कहने लगे, सखियों ने सब तालियां बजा दी, जो जो सखियां ताली बजाएंगे। हाँ कृष्ण कुछ बोल ही नहीं पाए और सबने राधा जी को कह दिया, राधा जी क्या है, विनर विजयी हुई, राधा जी विजयी हुई है ना। ऐसी सुंदर सुंदर लीला करके, इनका एक नाम है विजय, विजय कृष्णा, और इनका एक नाम है जय कृष्णा। जय कृष्णा का मतलब हर क्षेत्र में इनकी जय ही जयकार होती है, मतलब जीतते हैं। कहीं पर भगवान पराजित होते हैं, दो ही जगह पर पीठ दिखाकर भागे हैं ये, और क्या नाम पड़ा, दो जगह पर। आप बोलोगे हमने तो एक ही सुना था, काल यवन पीछे लग गया, लगा क्या नहीं, अच्छे भले सामने खड़े थे डटे थे युद्ध क्षेत्र में, काल यवन को देखकर पीठ दिखाकर जो भागे वहां से, कोई क्षत्रिय ऐसे भागे तो उसको कायर कहा जाता है ना, और यदि भगवान भागे तो इनको बोलो श्री रन छोड़ भगवान की। एक तो यार रन छोड़ के भागे और या तो फिर रास का रन छोड़ के भागे, इसलिए ये रन छोड़ है। ये राधा जी के सामने टिक नहीं सकते, वहां पर रन छोड़ के भागना पड़ता है इनको। वहां राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा कि रन छोड़कर इनको वहां से भागना पड़ता है, इसलिए रन छोड़ है। तो वो रन छोड़, वो गुजरात वाले एक अलग हैं, लेकिन ब्रज वाले रन छोड़ एक अलग है। वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ ये वृंदावन के रन छोड़ है। राधा जी की महिमा को देखकर रन छोड़कर भागते हैं,
इसलिए रन छोड़ है। जो ब्रज ब्रज का भाव रखते हैं ना रसिक, वो इसको समझेंगे, वो इसको समझेंगे, है ना। ऐसे राधा जी अराधिका सर्व राधिका महाभाव स्वरूपनी गुणेर अतिर वर्यसी, सारे गुणों से संपन्न है। बोलेंगे कृष्ण भी सारे गुण संपन्न है होंगे, लेकिन कुछ गुण रह जाते हैं जो सिर्फ राधा जी में ही श्रेष्ठ हैं। बोलते कौन सा गुण? सारे गुणों में सबसे बड़ा गुण है प्रेम का गुण, है ना। और उस प्रेम के गुण में इन्होंने अपने आप ही अपनी पराजय स्वीकार की, किसी को कहना नहीं पड़ा, किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप हार गए, आप ये आप वो। जब कोई बार 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 हारता है ना और उसकी चलती नहीं, तो समझदारी इसमें ही होती है, हाथ जोड़कर अपनी हार मान लो। इन्होंने भी वही किया, वंशी बजाऊं राधा जी वंशी बजाएं तो हार जाएं, गाने लगूं राधा जी गाने लगे तो हार जाएं, मल युद्ध में सामने आ जाओ राधा जी सामने आई मल युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ हार गए, नित्य करने लगे तो राधा जी जब नित्य करें तो हार जाएं। तो उन्होंने सोचा कितनी बार अपने मुंह को छुपा के रखूंगा, समझदारी इसी में ही, हाथ जोड़कर कह रहे हैं ना पा रहे हम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैंने अपनी डिफीट, मैंने अपना हार स्वीकार किया। अब इसमें एक बात जो मैं कहने जा रहा था, श्री कृष्ण का नाम है जय कृष्ण, सब समय इनकी जय, और सब समय तो जय जय ही होती है, जयति जन निवास हो देव की जन वाद हो, जयतम सूतो पंगुर मम मंद मतर गति, जयति जयति हर जगह जयति जयति, मतलब इनकी हर जगह जय ही होती है। लेकिन इनका एक नाम है विजय। विजय का मतलब क्या? बोलते हैं विशिष्ट रूपेण जय, विशेष रूप से जो जय होती है, और वो विशेष रूप से जय क्या, जहां पर इनकी पराजय होती है, अपनी पराजय में इनको ज्यादा आनंद और सुख लगता है, जय में सुख नहीं लगता। ब्रज में अपने सखाओं के हाथों से यदि ये पराजित हो जाए तो इनको अधिक अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, वही विजय है। राधा जी के समक्ष कितना भी कुछ कहें और उनके आगे यदि हार जाएं तो इनको आनंद लगता है, दुख नहीं होता, इनको परम प्रसन्नता होती है, मैं राधा जी के हाथों से हारा गया, और वही क्या है, विजय कृष्ण, विशिष्ट रूपे न जय विजय कृष्ण, है ना। तो कितना कहें, 9 बज गए। ऐसे ही राधा जी की अनंत महिमा है, अनंत महिमा कि अनंत शेष भी अनंत मुख से उनकी अनंत लीलाओं को अनंत काल तक भी वर्णन नहीं कर सकते, जिनकी महिमा स्वयं कृष्ण पूरा नहीं कर पाए, औरों की तो बात ही छोड़ो, औरों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए अपने सिर पर एक मोहर लगाना चाहते हैं, स्टैंप लगती है ना, हम पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है, आपने देश में प्रवेश कर लिया, स्टैंप लग गई, क्या स्टैंप लग गई, राधा जी ने कह दिया आप मेरे हो, मदिया भाव रखती है। अब प्रेम के भी दो भाव हैं, जो सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, राधा जी और चंद्रावली जी ये मुख्य दो गोपियां हैं, दोनों बड़ी सुंदरी हैं, लेकिन इन दोनों में राधा जी श्रेष्ठ हैं। चंद्रावली जी के अंदर ये भाव है तदीय भाव, मतलब हे कृष्ण मैं आपकी हूं, ध्यान से सुनना, इनके अंदर भाव है कृष्ण मैं आपकी हूं, राधा जी के अंदर भाव है आप मेरे हो, किसका अधिकार ज्यादा है? आप कहोगे बात तो एक ही है, तेरा मेरा क्या लगा रखा है। चंद्रावली जी कह रही है मैं आपकी हूं, और राधा जी कह रहे हैं आप मेरे हो,
इसमें जमीन आसमान का अंतर है, बात एक ही भली लग रही हो। चंद्रावली जी कह रही है मैं आपकी हूं, मतलब इसके अंदर बड़ा विनम्र भाव है, सबमिशन है, सबमिसिव भाव है। लेकिन बड़े अधिकार से जब किसी को कहा जाता है ना, अरे तुम मेरे हो, इस पे अधिकार है, मतलब आपका पूरा अधिकार है मेरा, आप पर पूरा अधिकार है मेरा। इसलिए राधा जी को कहा जाता है मधु स्नेहा। देखो दो तुलना दी गई, एक घी और एक शहद। शहद को कहते हैं मधु। घी जो होता है ऐसे खाने में अच्छा लगता है, एक चम्मच घी खा के देखो, मसाले वसाले डालो किसी दाल सब्जी में, छोले में डालो, भटूरे में डालो, तब तो बात आए, तब तो उसका स्वाद बन जाए। लेकिन घी चम्मच लेके खाओ तो कोई स्वाद है? लेकिन शहद को, मधु को किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती स्वाद की। मधु तो ऐसे खाओ, कितना मीठा है मधु, नाम ही ऐसा, कार्य भी ऐसा, बड़ा मधु है, मधुर है, मधुर है। तो राधा जी की तुलना चंद्रावली जी की तुलना घी से कर दी गई, मैं आपकी हूं, और राधा जी की महिमा मधु से की गई, आप मेरे हो, उसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, कोई और सामग्री की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही मधुर है, अपने आप ही मधुर है। अभी मैंने राधा जी की पूरी महिमा सुनाई नहीं, रोज हम अलग अलग दृष्टिकोण से सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा तो सुनाऊंगा 4 तारीख को, उस दिन क्या है, क्या है, अभी मनाई कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके 15 दिन के बाद मनाएंगे, हाँ जन्माष्टमी मंदिर में मनाई थी, सारे मंदिरों में जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन राधाष्टमी का पर्व बहुत कम लोग मनाते हैं। जो वृंदावन के भाव को जानता है, समझता है या उसमें डूबा हुआ है, वो राधाष्टमी मनाए बिना रह नहीं सकता। और जन्माष्टमी से भी बढ़कर, सवा शेर है ना, बढ़ चढ़ के राधाष्टमी मनाई जाती है, इसलिए हम लोग भी राधाष्टमी मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? यहीं से पास में एक जगह है, कौन सी जगह है, मैं नहीं बोल रहा, माता कह रही है, कह रही फरीदाबाद। और वहां क्या है, वहां पर हमारा मंदिर है, राधा माधव गौड़िया मठ, वहां पर हम राधा अष्टमी का बड़ा सुंदर पर्व मनाएंगे, हजारों लोग आएंगे, फूलों से उनका अभिषेक होगा, फूलों का श्रृंगार होगा, नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, अलंकार से उनको सुसज्जित किया जाएगा, कीर्तन होगा, कथा होगी, और फिर उसके बाद बड़ा सुंदर राधा जी का प्रसाद भंडारा होगा। और उस दिन राधाष्टमी के दिन एक व्रत होता है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत होता है ना, कब तक होता है व्रत, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए, रात के 12 बजे तक प्यासे भूखे सब इतना रुलाते हैं, ये जन्माष्टमी का व्रत। और ऐसे ही राधाष्टमी का भी व्रत होता है, वो कैसे होता है, वो तो सुबह से खाने लग जाओ, उस दिन भूखा प्यासा नहीं रहना, उस दिन व्रत ये है कि यहां से दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक आना, गाड़ी में बैठकर जहां पर हम कहेंगे वहां पर, और कहीं नहीं, कहीं घूमने चले जाओ, फरीदाबाद में आना और सामने राधा जी और कृष्ण के फूलों का अभिषेक का दर्शन करना, उनकी कथाओं को कानों से सुनना, मुख से उनके नाम उच्चारण करना, नेत्रों से उनका दर्शन करना, ताली बजाकर उनके कीर्तन में हाथों को सफल करना, और गाड़ी चलाकर भी अपने हाथों को सफल करना, और चरणों से उनकी परिक्रमा करना, और अपने मुख से रस से उनके प्रसाद का, उनके जो भोग लगेगा उसका आस्वादन करना। इतना आसान है राधाष्टमी का व्रत करना, है ना, इतना आसान है। इसलिए मैं आप सबको न्योता देने आया। पहले होता था ना, घर में आके कार्ड देना,
मैंने सबको ही बुला लिया, इकट्ठा ही काट दे देंगे। सबको काट देने आया, न्योता देने आया राधा जी का। हाँ, ये पर्व के लिए आप सब निमंत्रित हैं, वहां पर बड़े बड़े लोग आएंगे, इतने देवता आएंगे, देवी आएंगी। अब कोई देख पाएगा तो अलग बात है, आएंगे तो जरूर, और इसमें आप लोग भी आएंगे तो बड़ा प्रसन्नता लगेगी। मैं जब जब आईपी में यहां पर मिलन में आता हूं, हमारे संजीव सैनी जी और पूनम माता हमारी, ये बड़े धूमधाम से अपने सारे मित्र मंडल को लेकर भागवत जी का आयोजन करते हैं। होता है ना, हर साल होता था, कोविड ने गड़बड़ कर दी। ये तो चाहते हैं साल में दो बार भी हो जाए, मेरे पास ही टाइम नहीं है, लेकिन देखते हैं कब होती है फिर कथा दोबारा से। लेकिन मैं एक बात देखता हूं, यहां मिलन में बड़े मिलनसार है सब, है ना, नाम ही मिलन है ना, बड़े मिलनसार हैं, बड़े अच्छे से मिलते हैं, सुबह सुबह राधे राधे बोलते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ। और सब अपने अपने घरों में ले जाते हैं, प्रसाद सेवक होती है, सब कुछ होता है। तो मैं सोचता हूँ मैं आप सबका ऋणी हो गया, लेता ही जा रहा हूँ, कभी कुछ दिया तो है नहीं, तो ऋण हो जाता है ना सिर पर। उस ऋण को चुकाने का अवसर आ गया राधाष्टमी का। कैसे चुकाऊंगा, अब आप लोग मेरे घर में आओ, फिर मैं भी आपको प्रसाद खिलाऊं और वहां पर सुंदर सुंदर कथा भी सुनाऊं। ये भी इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, उस दिन ये भी सुनाएंगे। ये हमारे भक्त लोग इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, एकदम हृदय पिघल जाता है सच में। कितने लोग तो या तो नाचते हैं या रो पड़ते हैं, गिरता एक आधा है कोई बेहोश हो जाए तो, बड़ा सुंदर कीर्तन होता है। तो इतना सुंदर वहां पर वातावरण जो होगा, सच में आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर मेरी भी कुछ मदद करो, मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूँ, मैं भी आपकी कुछ सेवा वहाँ कर पाऊँ। मैं तो यही सेवा कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपका प्रेम का पार नहीं पा सकता, तो आप तो ये होगा। सब लोगों की आंखें देख रहा हूँ, बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोगों की आंखें कह रही हम नहीं आएंगे। तो जो लोग नहीं आ रहा वो पहले से हाथ खड़ा कर दे, मैं देख लूं। कोई है जो नहीं आ रहा, कोई है जो आ रहा है? अच्छा, बाकी अभी सोचेंगे, बोले देखते हैं सैटरडे को कैसा माहौल है। चलो, ये तो थोड़ी मजाक की बात थी, लेकिन सीरियसली इनवाइट करता हूँ सबको, हृदय से सबको इनवाइट करता हूँ। आप लोग आ जाइए शाम को 5 से 8 बजे। एड्रेस वेरी सिंपल, सेक्टर 12 सेंट्रल पार्क, दैट्स ऑल। जीपीएस डाल दो, पहुंच जाएंगे, है ना। क्या बोला मैंने? और सेंट्रल पार्क शाम को 5 बजे से 8 बजे, ठीक है। दूसरी बात, हर पहले यहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी, है ना। हम बहुत महीने से हमारी प्लानिंग चल रही है, बड़े धूमधाम से रथ यात्रा मनाएंगे। कब मनाएंगे? सब पूरे साल का सबसे शुभ दिन जो होता है, महीना कौन सा? कार्तिक का महीना, पूरे वर्ष का। और वो शुभ किस लिए है? क्योंकि वो कार्तिक महीना किसका महीना है? राधा जी का महीना है, है ना। अब सब कुछ राधा राधा ही चल रहा है। उस कार्तिक के महीने में 30 अक्टूबर को, उस दिन भी संडे है, हम लोग यहां पर मिलन से ही, यहीं से ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम निकालेंगे। बहुत सारे भक्त आएंगे, देश विदेश से भक्त आ रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, जर्मनी से, कोस्टारिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इतने सारे देशों से भक्त लोग, हाँ सब लोग आएंगे। तो हमको भी दिखाना है ना उनको, थोड़ा दिखावा हमको भी करना है ना कि देखो हमारे यहाँ रथ यात्रा कैसी होती है, तो हम भी उनको अच्छे से दिखाएंगे। तो इसलिए पहले से सूचित करता हूँ, अपने कैलेंडर में वो दिन नोट कर लो। 30 कौन सी तारीख? कौन सी? 30 महीना कौन सा? 30 अक्टूबर को यहाँ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम निकालेंगे।
आप लोग पहले से तैयारी करो, जिसको कुछ और पूछना है इस बारे में हमारे हाथ खड़े करो, संजीव प्रभु आप इनसे पूछ लेंगे। हाँ, वो बाहर बैनर भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, सब लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, तो इनको आप संपर्क करेंगे। इतना ही बोलकर मैं आज कथा को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकाल कर आए, आप लोगों का समय बड़ा मूल्यवान है। मैंने उसमें से थोड़ा सा कुछ ले लिया, बस इसी में ही आपको धन्यवाद करता हूँ। बोलो श्री राधा रानी की, जोर से श्री राधा रानी की। एक और अनाउंसमेंट आ गई, सुन लो। 30 अक्टूबर को तो क्या है, 5 अक्टूबर को 3 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं बद्रीधाम। बहुत सारे भक्त हमारे साथ चल रहे हैं, अगर किसी को चलना है तो हमारे ये खड़े ये हाथ ऊपर कर लो, वासुदेव प्रभु हैं, आप इनसे संपर्क करना। यदि किसी को बद्रीधाम जाना है, पहले से हम लोग अरेंजमेंट कर चुके हैं, अगर आप लोग उसमें और एड ऑन होना चाहते हो तो हम अच्छे से अरेंजमेंट और कर लेंगे, जिसको भी चलना है चल सकते हैं। अब क्या है, जन्मदिन आ जाए। अच्छा चलो, कीर्तन कर लो थोड़ा सा। राधे बोलो श्री राधा रानी। मैं काटूंगा? नहीं नहीं, आप बोलो राधा रानी की। राधे 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 गोविंद राधे, राधा रानी Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 H